हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, काफी टाइम से मैं बहुत परेशान चल रहा था, मतलब सही से खाना भी खा नहीं पा रहा था। उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, फ्यूचर में कभी शेयर करूंगा। फिर अभी सुबह सुबह से मम्मी बोल रही कि चाय कैसे पीने लग गया, वरना मैं सुबह से चाय भी नहीं पीता। अभी चाय बिस्किट ले लिए क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं है और मुझे लग गई है बहुत तेज भूख। गाइस, अभी हिना ने भी नहा लिया और तन्नू ने भी नहा लिया। अभी हिना इसको तैयार कर रही है। और क्या सरप्राइज भैया की तरफ से? अरे वो गणपति पापा कहाँ बिठाए? माता बिठाई थी। तो ये सरप्राइज हो गया। ये तो बिट्टू तो निकल गया मंदिर तरफ पर इसको यही छोड़ गया। पास में ये होगा वहाँ पे, ये जा रहा है। और ये सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल जाता है गाड़ी लेके। अब आया रात को ना, आटा खत्म हो गया था। अब जा रहा है कमल घेहूँ लेके पिसवाने के लिए। अभी देखो कमल अभी आ गया है आटा पिसवा के। क्या भूल गया? ये आटा रखने गया था और भूल आया था। अभी लेके आया ये सीताफल देखने के लिए। याद है आपको सीताफल? बहुत सारे लेके आए। अभी लाइट ही नहीं चल रही है तो देखो किस तरह से पकाने के लिए रखे थे सीताफल। पक्का वाले ले लेना। पक्का ये पक्का ये तो पक्का है। ये मेरा कितने सारे है? देखो इस तरह से पकाने के लिए रखे थे। ये चारा वाला ले आए थे और इस तरह से पकाने के लिए रखे थे। तो खाएगा नहीं है ना? ये नाक दे देते। सबके लिए सीताफल ले लिए, थोड़े बहुत ही बचे हैं। अब खाते हैं हम लोग सीताफल। किसका उपास है और खाने रहे नौटंकी? मैं तो ऊपर के मन से पूछ रहा था, मैं खा जाऊंगा दोनों। अभी वो बकरी वाले दादा गए और उन्होंने देखो क्या दिया, क्या बनाया हुआ। देखो कितना मस्त मोर बनाया हुआ है। मोर कैसा लग रहा है? देखो अभी ये देखो कैसा लग रहा है, ये कितना प्यारा बनाया हुआ। देखो देख मोर 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 है नहीं वही कलर मैच कर रहा मोर से। इना का कपड़ों का कलर मैच कर रहा है। देखो मोर बनाओ। क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? इतनी घुस क्यों लग रही हो? क्या हो गया? अरे खिचड़ी बनाई तो कमल का चरखी लगा खाऊंगा। तो आज खिचड़ी बनी है हमारे घर, तो कमल टेस्ट करके देख रहा है कि कैसी बनी होगी। इना वैसे खिचड़ी अच्छी बना लेती है। बनाई आलू डलते हैं, आलू के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। कल रात की बात बताता हूँ क्या सीन हुआ था। रात को मैं बहुत जोर जोर से हंस रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था, तो इना भी उठ गई। मम्मी आप सुन रहे थे कि नहीं? कैसे हंस रहा था मैं? मम्मी भी डर गए। मतलब मैं इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि मतलब मेरे रूम से भी बाहर आवाज जा रही थी। मतलब ऐसा सीन, ये वजह अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कहीं बताऊंगा। तो गाइस हम तो गाड़ी से मैं गया था और एप्पल लेके आया हूँ। मेरी नकल कर रहा, भी गया था मैं मार्केट हिना के लिए एप्पल लेके आया था। और यहाँ देखो कमल ने पैसा ही पैसा निकाल लिया, हिसाब कर रहा, क्योंकि इसके पास ना जो भी माता का चंदा है ना वो इसी के पास रखा हुआ है ना। कहीं सामान लेने जा रहे? क्या लाओगे? आलू और टमाटर और सामान। अच्छा कल भंडारा है। हाँ कल आज बाहर क्या हो गया? आज तो भगियापुर का बाजार होगा ना, सब लेके आए। हमारी बाइक तो वही में पंचर हो गई थी। हाँ हमारी बाइक भी थी। हाँ इसको याद है, हम लोग आए थे ना जामली से, तब बोला हमको गाइस पैदल आना पड़ा था गाड़ी लेकर। हाँ इन दोनों को अभी तो ये गेम खेलना हो रहा है, दोनों को खेलते ही नहीं आता। अभी कितना ले जा रहे? 2000 अभी। तो गाइस आज संडे है ना, आज छुट्टी इन लोगों की, तो यहीं पर पढ़ाई कर रहे। देखो बिट्टू भी कर रहा है, फिर इसका ये दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है, पन्नू भी कर रही है, हिना भूत बन के खड़ी है, ये नींद में ही है, यहाँ देख रहे हैं इनको पढ़ाई करते हुए। उधर मम्मी भी सोई हुई थी, ये सब सोए हुए ही थे। मम्मी अभी जस्ट ये हिना के लिए मैं सेब लेके आया था क्योंकि इसका उपास है। अभी एप्पल खाएगी मम्मी, थाली लेके आ रही, कट करके देगी। चारा भरने गए थे क्या? शुक्ला के चारा भरने गए थे। अभी ये कभी कभी काम लगते रहता है ना, हफ्ते में एक आधे दिन काम लगता है, बाकी काम नहीं लगता। शुक्ले की गाड़ी। वेट देखो गाइस, मैंने 400 रुपए काम किए फाइनली। 12 बजे गया था और अभी कितने बज रहे? अभी 4-5 बज रही है। चलो इसका काम तो लगा। 5 घंटे
300 रुपये मम्मी को दे दिए, बाकी इसमें 200 रुपये रख लिए, 100 रुपये इसने रखे। बिना का ना उपवास है तो साबूदाने लाके देना है खिचड़ी विचड़ी बनाने के लिए। मैं अभी मार्केट से आता हूँ। तो गाइस मार्केट से आ गया हूँ मैं, साबूदाने चावल वगैरह जो भी है वो लेके आ गया हूँ मैं। ये है साबूदाने, पकड़ साबूदाने 1 किलो लेके आ गए। ये नमक है, काला नमक जिसको बोलते उपवास में खाते है। ये चावल भी ले आया। नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो जो भी उपवास रखते हैं ना उपवास में क्या खाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। साबूदाने की खिचड़ी बना के खाते हैं, तो कैसे क्या खिचड़ी बनाते दिखाता हूँ। देखो ये आलू आलू छिले हुए और ये बना रहे हैं, उड़ेगा खिचड़ी बना रही है। आलू को फ्राई व्राई करने वाले चटके भी लग रहे हैं। ये साबूदाने भिगो के रखे हुए, देखो डेली बनाती, पहली बार बना रही है। वाह, पहली बार बना, मनु बना रही थी। तो कल हमारे इधर माता माई के अंदर ये वहाँ पार्टी आने वाली है। अच्छा, इस तरह से फ्राई कर रहे हैं, इसमें हरी मिर्ची भी है, फ्राई हो रहे हैं, जलने वाले फ्राई हो रहे हैं। ये क्या जोंबी बन गया क्या? सो फाइनली ये आलू फ्राई करना हो गए, हल्के फुल्के से जल भी गए, मिर्ची भी जल गई। तो इसमें जो भी पानी था वो सब नितार दिया। किस तरह समझो, मैं पहली बार देख रहा हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनते हुए, ना पहले देखा तो याद नहीं कैसे बनती है। इसने मूंगफली के दाने तो डाले ही नहीं। तो गाइस ये थोड़ी बहुत भुलक्कड़ भी है ना, खिचड़ी बना रहे थे उसने दाने नहीं डाले, अब कच्चे कच्चे दाने डालेंगे इसमें। डाल ले तो बस, और क्या, मूंगफली में दाना नहीं, बंदर तेरा मामा नहीं। मूंगफली के दाने गलत टाइम पे डाल दे भाई। कैसे भी मैंने खा लेना है ना, अगली बार यूट्यूब पे देख के सर्च करके फिर सीखना, फिर बनाना है ना। फाइनली साबूदाने भी ऐड कर दिए, देसी देसी बना रही है, पूरी गलत बना रही है, देसी भी पूरी गलत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रेसिपी गलत है ये। चोर पकड़ा गया। कौन है चोर? कौन है चोर? इसीलिए उपवास रखने से पहले जो भी उपवास के उपवास का खाना रहता है ना वो बनाना पहले सीखो। नमक अभी डाला ही नहीं, कहीं कहीं तिखार लगेगा, कहीं कहीं ज्यादा ऐसा लगेगा, देखना। जीरो का तो खाना ना क्या? हाँ डाल दिया सब, डाल दिया। तो गाइस हिना की रेसिपी, बिगाड़ने वाली रेसिपी। मम्मी ने तो कई टाइम से बनाया नहीं, भूल गई मम्मी तो। अभी बना के देती, आप तो सीख जाएगी कल। आज है ना यूट्यूब पे सर्च करके दिखा दूंगा कैसे बनती है। मेरे को लगा बना लेती वरना दिखा देता पहले वीडियो। ये सुबह की भिंडी बची हुई है, सॉरी गिलकी बची हुई है, उसको दाल में मिक्स करके खा रहे क्योंकि थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। दोनों शैतानो फाइनली जैसे तैसे करके बना दी है रिचड़ी। ये है खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी। कमेंट करके बताना ये सही बनी है कि गलत बनी है, पता नहीं कैसे बनी है, जब हिना टेस्ट करेगी तब स्वाद आएगा कि कैसी बनी है। हो गया है इस ब्लॉग का एंड करने का भी टाइम और मुझे फटाफट एडिटिंग भी करनी है। बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे क्या लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो गाइस ये बच्चे रास्ते से जा रहे थे, बोले हमारा वीडियो बना, हम नाचेंगे क्योंकि वहाँ गाने बज रहे हैं। नाचो नाचो जब तू तुम्हें ना All the best. Thank you, Bye.